हे गाइस, तो आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो हमें दिल्ली में रहते हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। तो 4 साल से हम रेंटेड घर में रह रहे हैं। तो जैसे हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो, छोटा हो बड़ा हो पर खुद का हो, वैसे हमारा भी एक सपना था कि हमारा यहाँ एक घर हो। तो अब यहाँ हमारा भी खुद का एक घर हो गया। हमने एक खुद का फ्लैट लिया है जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी दिल्ली में आए लगभग 4 साल ही हुए हैं। तो हमने नहीं सोचा था इतनी जल्दी हमारा कोई घर हो पाएगा। लेकिन जो भी फ्लैट हमने लिया है वो लगभग 2 साल पहले हमने बुक करा दिया था कुछ अमाउंट देके, और उसका पजेशन मिलना था साल भर में, लेकिन कोविड की वजह से लेट हो गया था। तो उसका पजेशन अभी मिला है, जल्दी अक्टूबर में पजेशन मिला है। तो न्यू फ्लैट होते हैं उसमें कोई भी काम नहीं हुआ रहता इंटीरियर, तो तब से जब से हमें पोजीशन मिला है तब से हमारा इंटीरियर वाला काम चल रहा है, जैसे कि किचन है, वार्डरोब है, फॉल सीलिंग्स है, तो सारा पेंटिंग है, सारा कुछ काम कर चल रहा है। तो लगभग 2-2.5 महीने से हमारा खुद का काम चल रहा है जो कि हम करा रहे हैं। तो अभी वो जल्दी ही सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तो हम जल्दी ही उस नए घर में, अपने खुद के घर में शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम रेंटेड घर में रह रहे हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं घर में जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये खुशखबरी आपको भी दिया जाए। हमने सोसाइटी में फ्लैट लिया है, कितना बड़ा है, कैसा है, मैं सारा कुछ दिखाऊंगी। मैं एक हाउस टूर वीडियो भी बनाऊंगी कि कैसा है मेरा घर, क्या क्या चीज़ें मैंने वहाँ करवाई हैं, कैसे मैंने घर को डेकोरेट किया है, तो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो, आप भी मेरे हर सपने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। मेरे हस्बैंड की जो जॉब है स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब है, तो 4 साल पहले इनकी पोस्टिंग राजस्थान में थी, तो 2 या 3 साल वो वहाँ रहे हैं। मैं भी इनके साथ 1 साल रही हूँ, उसके बाद इनका ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली। जब यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो हमें लगता था पता नहीं हम अच्छे से लाइफ जी पाएंगे कि नहीं, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उस टाइम मैं अर्निंग नहीं करती थी, बस मेरी अर्निंग जस्ट स्टार्ट हुई थी क्राफ्ट वाले चैनल की, क्योंकि मैंने राजस्थान से ही अपना चैनल स्टार्ट किया है। तो लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं इसलिए ये सारी बातें बता रही हूँ कि जब से हम दिल्ली में आए हैं हमें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं धीरे धीरे भगवान की दुआ से मैं आगे बढ़ती गई, मेरे एक चैनल में, फिर मैंने ब्यूटी वाला चैनल स्टार्ट किया सपना प्रभात वाला, फिर ब्लॉग चैनल, मतलब 3 यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गए। अभी 6 महीने पहले से मैं फेसबुक पर भी काम कर रही हूँ। तो मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि मैं 4 साल से यहाँ हूँ दिल्ली में, हमें कभी भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से लाइफ जिए हैं। मेरे जो बहुत सारे सपने थे मैंने इस टाइम पूरे किए हैं, और एक एक सपना सच हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और 4 साल बाद ही हमने अपना खुद का घर भी ले लिया, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आई एम सो एक्साइटेड न्यू घर में जाने के लिए, अपने खुद के घर में जाने के लिए। तो मैं सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले गॉड को थैंक यू, भगवान को बहुत बहुत थैंक यू, उसके बाद फैंस, फैमिली, आप लोग जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब के व्यूअर हैं, फेसबुक के व्यूअर हैं, सबकी वजह से आज ये सपना सच हो रहा है। मतलब कि आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे हर सपने को पूरा करने में। तो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू एंड लव यू गाइज। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना।